हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रा कैल्क को लेकर के है। दोनों ही के बीच में स्टूडेंट्स को जो काफी कंफ्यूजन हो जाती है, आज वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, ये जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो लिब्रा कैल्क है ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। भाई दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर एक्सटेंशन का है। लिब्रा कैल्क के फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? .ods, ods, ठीक है, ये एक्सटेंशन होती है लिब्रा कैल्क के फाइल की। और MS Excel के फाइल की एक्सटेंशन होती है .xls, xls। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि दोनों के फाइल के एक्सटेंशन में अंतर होती है, ठीक है। और ये जो फाइल है ना लिब्रा कैल्क, ये लिनक्स में यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले आप लोग चला रहे थे एमएस डॉस, तो एमएस डॉस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी दोनों के बीच में और भी डिफरेंसेस हम जानेंगे। दोनों ही कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये लिब्रा कैल्क भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये लिनक्स में प्रयोग किया जाता है, और एमएस एक्सेल भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। जो लोग लिनक्स यूज करते हैं वो लिब्रा कैल्क यूज करते हैं, और जो लोग विंडोज यूज करते हैं वो दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे दे देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये पहले स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, ओके। और ये जो है कॉलम है, क्या है? कॉलम। ये ए है, ये बी है, ये एक एक कॉलम है, और ये क्या है? ये रो है, 1, 2, 3, 4, ये सब रोज है, ठीक है। तो रोज और कॉलम को मिलाने से बनती है स्प्रेडशीट। क्या बनती है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर रो और कॉलम से मिलाकर बना हो उसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये बाहर निकलता हुआ सा दिख रहा है हमको। देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है बी में तो है ही, सी के अंदर भी घुस रहा है। तो यहां से पकड़िए, जब ऐसा एरो बने तो आप माउस का राइट बटन नहीं बल्कि लेफ्ट बटन दबा लीजिए, और यहां से खींचते हुए माउस को और आगे बढ़ते चले जाइए। यहां पर आएंगे, ये रिसाइज हो जाएगा, ठीक है, इसे आप रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया कंप्यूटर। अब हमारे एक दोस्त हैं अजय सिंह, उनका कमेंट आया था और उन्होंने कई बार मुझसे कहा भी पर्सनली, उनको एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो पीएचडी करते हैं तो उनको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो बोल रहे थे कि एक मार्कशीट बना करके दिखा दीजिए। तो इसके पहले मैंने सैलरी शीट बना करके दिखाया था, अब ये मार्कशीट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो एक मार्कशीट कैसे डिजाइन कर सकते हैं? अच्छा, और उसमें सेल एड्रेस भी होता है, तो सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज भी मैं ये सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को सेल एड्रेस से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखता हूं मैथ, कंप्यूटर हो गया, मैथ्स हो गया, और यहां पर कर देता हूं साइंस, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, और यहां पर कर देता हूं इंग्लिश। तो ये चार ही सब्जेक्ट हम लेते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, यानी मैक्सिमम मार्क्स अगर कोई स्टूडेंट पाएगा तो कितना पाएगा? 100, ठीक है। अब इन सब का टोटल जो करेंगे वो यहां पे करेंगे, तो टोटल यानी ऑब्टेंड मार्क्स, ऑब्टेंड समझते हैं, ऑब्टेंड का मतलब कितना नंबर प्राप्त किया, ठीक है, तो वो यहां पे आ जाएगा। तो ऑब्टेंड मार्क्स कर दिया हमने, डबल क्लिक करके इसको भी रिसाइज कर लिया हमने। फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम जो भी मार्क्स हो वो आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं कर देता हूं, पहले तो मैं यहां पे टोटल कर देता हूं, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हो गया, यानी कुल मिला के कितना पाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो पाएगा वो कितना पाएगा, ठीक है। इसके बाद से एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का, तो मैक्स का फॉर्मूला यहां लगा लेंगे, मिनिमम मार्क्स किसी अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो कितने मार्क्स आए हैं वो चीज यहां आ जाएगी, ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये एवरेज जो है यहां पर आएगा, ए वी ई आर ए जी ई। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं 2007, अभी हम लोग लिब्रा कैल्क पे भी चलेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ये हो गया, और फिर यहां पर एवरेज के बाद आप ग्रेड भी कर सकते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं ग्रेड, जी आर ए डी ई, ये ग्रेड भी कर लिया हमने, यहां से इसको खींच के ले आए। अब मान लीजिए यहां पे स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, क्या सचिन, ऐसे कुछ करके नाम हम लिखेंगे, और यहां पे मार्क्स देने हैं कंप्यूटर के और तमाम सब्जेक्ट्स के। तो यहां पे मार्क्स मैं दे देता हूं, ये एक फॉर्मूला लगा करके मैं मार्क्स दे देता हूं, और यहां पे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ जाएंगे, कुछ भी मुझे एक एक करके मार्क्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर
इसको मैं वैल्यू बना लेता हूं। अब ये देख सकते हैं ये तमाम स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है, इनका टोटल करना है। ये देखिए ये राम है, तो राम के कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं, 71, ठीक है, मैथ्स में और साइंस में 16 और इंग्लिश में 14, ठीक है। तो यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिब्रा कैल्क में शुरू होगा तो वो इज इक्वल टू से शुरू होगा, ये बात याद रखिएगा, इज इक्वल टू के बगैर कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यहां लिखा सम, सम जो है जोड़ने के लिए यूज होता है और इसको हमने सिलेक्शन में लिया और अब इसको बंद कर देंगे। ये सेल एड्रेस है, इसी को सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है, क्या C2 से लेके F2 तक हमने पूरा सेलेक्ट किया है, ये C2 और ये F2 जो दिख रहा है ना यही सेल एड्रेस है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए किसके, राम के। अब आपको हर एक व्यक्ति का निकालने की जरूरत नहीं, ये जो चौकोर सा आपको बटन दिख रहा है यहां पर आप डबल क्लिक कर दे सबका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में इज इक्वल टू लगा के मैं यहाँ 400 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो यहाँ एक ग्रीन साइन आ जाएगा, तो मैं इसीलिए इज इक्वल टू लगा के तब लिखता हूं 400, ओके। मैक्सिमम, मैक्सिमम का एक फॉर्मूला होता है MAX, हो गया मैक्स लगाया हमने और यहां से इसको सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे और एंटरफेस कर देंगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गया, ठीक है। यानी अगर किसी सब्जेक्ट में राम ने सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं तो वो कितना नंबर है, देखो किसमें है, मैथ्स में है ना, ठीक है। अब मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं, यहां से इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, अब यहां मिनिमम मार्क्स, मिनिमम के लिए मेन फॉर्मूला लगाते हैं, ये मिन लगा दिया हमने, इसको यहां लेके आएंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कंप्यूटर का मार्क्स यहीं से स्टार्ट है, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, यानी C2 से लेके F2 तक हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहां पर मिनिमम मार्क्स राम ने गेन किए हैं तो वो 14 मार्क्स है। मैं आपको सेल एड्रेस दिखा देता हूं, C2 से लेके F2 तक मैं बोल रहा था, यहां C2 से लेके F2 तक है, एंटर प्रेस कर दिया, डबल क्लिक किया, यहां पे ये इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। और अब यहां पे एवरेज कैलकुलेट करना है, चलिए एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला आप यहां से भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगा के भी लगा सकते हैं और ये जो FX बटन दिया हुआ है यहां पे भी क्लिक करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपको अभी यहां पे एवरेज दिखाई पड़ रहा है कहीं पे, इसमें कहीं एवरेज दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अभी यहां पे क्या करते हैं, यहां पे सर्च कर लेते हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है सर्च फॉर अ फंक्शन, तो यहां पे सर्च करते हैं AVERAGE, एवरेज सर्च करते हैं, यहां पे सर्च किया हमने, देखिए एवरेज मिलता है या नहीं। अब देखिए यहां पे सबसे ऊपर एवरेज दिखाई पड़ रहा है, ओके कर लीजिए, सिलेक्शन कहां से कहां तक करना है वो देख लीजिए, ठीक है। हम यहां पे देख लेते हैं, सिलेक्शन हमें यहां से करना है, यानी सेल एड्रेस क्या है आप बताइए, ये इसका सेल एड्रेस क्या है, C2, यानी C2 से लेकर कहां तक जाना है, C2 से F2 तक, तो C2 लिखा, कोलन लगाया और F2 कर दिया, लिख भी सकते हैं आप हाथ से ही, ठीक है, अदरवाइज आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आ गया एवरेज, आ गया ना। अब ग्रेड कैलकुलेट करना, थोड़ा सा यहां कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इफ का फॉर्मूला लगा करके हम ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, तो इफ लगाया, ठीक है। अच्छा, हमारे यहां जो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल में ग्रेड दिए जाते हैं वो एस ग्रेड सबसे ऊंचा ग्रेड होता है, सबसे बड़ा ग्रेड होता है, ठीक है। तो एस ग्रेड यानी 85 से लेकर 85% से अबव जो होता है वो एस ग्रेड होता है, ठीक है। तो अभी हम 85 से स्टार्ट करने वाले हैं और ग्रेड किसके बेस पे निकालेंगे, एवरेज के बेस पे ग्रेड निकालेंगे। तो पहला वाला आप एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रेटर देन का साइन है कीबोर्ड में, देखिए ये ग्रेटर देन है, देखिए मैंने लगा भी दिया वहां पे अप्लाई हो गया और ये इज इक्वल टू है। तो इज ग्रेटर देन K2 में रखी हुई वैल्यू, K2 में क्या रखा हुआ है, 44.25 यही रखा हुआ है ना। इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा हो या बराबर हो, K2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो किसके, 85 के, कॉमा क्या हो जाए, एस ग्रेड मिल जाए उस बच्चे को, कॉमा दिया। फॉर्मूले के अंदर सेम फॉर्मूला यूज करना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर्मूला, क्या कहते हैं, नेस्टेड, NASTED, नेस्टेड। फिर इफ लगा लिया हमने, दूसरा इफ, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 85 कर चुके हैं, अब 75 करते हैं,
75 कॉमा, अगर 75 हो या 75% एवा हो लेकिन 85% से कम हो तो ग्रेड कौन सा रहेगा? ए। एक बार फिर से इफ यूज किया, ध्यान रखिएगा कि यहां कॉमा जरूर लगाइएगा अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। पहले वाले को ही सेलेक्ट करना है, हर बार पहला वाला ही सेलेक्ट करना है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बार क्या करते हैं 65 कॉमा, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रेड आएगा? बी ग्रेड आएगा। 65% या 65% से अबव हो लेकिन 75% से कम हो, ठीक है, तो ए ग्रेड आ जाएगा, सॉरी बी ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। और फिर इफ लगाते हैं, ठीक है, इफ के अंदर इफ कई इफ लगा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इफ लगाया हमने यहां पे और अब वापिस से वही एवरेज सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे 55 कर लेता हूं। अगर 55% या 55% से अबव हो लेकिन 65% से कम हो तो उस व्यक्ति को मिले सी ग्रेड, उस बच्चे को मिले सी ग्रेड। फिर इफ लगाया, ठीक है, यानी कितने इफ लगा चुके हैं हम, काउंट करिए 1 2 3 4, पांचवा इफ है, पांचवा, ठीक है, और ये लास्ट है। देखिए इफ में दो कंडीशन होती है, या तो ट्रू की कंडीशन होती है या तो फॉल्स की कंडीशन होती है, या तो जो आप कंडीशन दे रहे हैं वो सही होगी या तो गलत होगी, यही होगा ना। तो अब ये अंतिम कंडीशन है तो इसमें दोनों ही आएंगे, अभी तक तो हम सिर्फ ट्रू वाला लिखते रहे क्योंकि एक ही कंडीशन देते रहे। जैसे यहाँ इफ दिया K2 में रखा हुआ वैल्यू बड़ा हो या बराबर हो 85 के तो एस ग्रेड मिल जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन तो हम दे नहीं रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हम अभी एंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अब फॉर्मूला एंड हो जाएगा। तो यहां पर एवरेज को सेलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब क्या कहेंगे कि K2 में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 50 के कॉमा ऐसे कंडीशन में उस स्टूडेंट को मिल जाए डी ग्रेड, और इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करती हो तो वो स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल्ड हो जाए, फेल्ड। ये फेल्ड दे दिया हमने, कितने इफ है 1 2 3 4 5, अब एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पे देखिए 44.25% नंबर है तो ये फेल है, बाकी डी ग्रेड, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसको थोड़ा छोटा करता हूं, छोटा कर दूंगा तो ये पूरा पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए अब इस पे थोड़ा बॉर्डर बना लेते हैं हम, बॉर्डर कैसे बनाएंगे, यहां पे जाके यहां से बॉर्डर बना सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा कैल्क की, ठीक है, ये लिब्रा कैल्क है और ये एमएस एक्सेल है, ठीक है। पहले इसको सेव कर लेता हूं, यहां से सेव पे जाके, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो कि ग्रेड कौन सा मिला है, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए और इसे नाम देता हूं ग्रेड, ग्रेड के नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, ठीक है, सेव कर दिया। अब यहां से इसको मिनिमाइज कर लिया, इसको भी मिनिमाइज करता हूं, देखो ग्रेड नाम से कोई आया है यहां पे, इसको रिफ्रेश करता हूं, ये रहा, ये है ना। अब इस पर राइट क्लिक करिए, एक्सटेंशन की बात कर रहा था मैं, या तो XLS होगा एक्सटेंशन एक्सेल के फाइल का, या तो .xlsx, ठीक है, यही हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्या है। तो यहां पे देख सकते हैं .xlsx, ठीक है, ये देख सकते हैं ना, हमारे पास दोनों ही वर्जन अवेलेबल है 2007 और 2016, तो इस बार ये बाय डिफॉल्ट 2016 वाले में ये ले लिया है, तो इस वजह से, लेकिन एक्सटेंशन तो .xls ही है, ठीक है, एक्स लग गया है ताकि वो अपग्रेड हो गया है वर्जन, तो एक्स लग गया है। अब आइए लिब्रा कैल्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये लिब्रा कैल्क है, लिब्रा कैल्क भी लगभग सेम ही है, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं फिर वही काम करता हूं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये देखिए नेम ऑफ, तो यहां पर ये ऐसा साइन आएगा, अब इसको पकड़ के खींच दीजिए, ये आ गया, बराबर हो गया, यहां पे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लीजिए लीजिए, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, कभी कभी तो 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कर लिया हमने, ठीक है, दोनों एक जैसा सॉफ्टवेयर है, दोनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये देखिए ये कॉलम है ये रो है, ठीक है, इसमें भी रो और कॉलम है। मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम, यहां पे नाम लिख लेते हैं, जैसे राम श्याम जो भी है, दीक्षा, अंशिका और आदित्य,
आदित्य तुम्हारा ही नाम है ना, लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, वही चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान लगाइए, बस टैब प्रेस करते थे वहां पे, हम क्या करते थे ब्रैकेट लगाने की जगह टैब प्रेस कर देते थे तो ये ले लेता था, लेकिन यहाँ पे नहीं लेगा। रैंड बिटवीन फॉर्मूले का नाम था, यहाँ पे देखिए सजेस्ट तो कर रहा है रैंड और रैंड बिटवीन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए रैंड बिटवीन बी ई टी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू डबल ई एन लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अगर टैब प्रेस करते हैं तो फॉर्मूला में एरर आ जाएगी, देखिए इस तरह का एरर आएगा, तो इसीलिए टैब मत प्रेस कीजिएगा, यहां से ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब यहां पर आपको देना है, ये देखिए कह रहा है बॉटम, बॉटम यानी सबसे छोटा वाला, सबसे कम वाला नंबर, और ये टॉप यानी कि सबसे ज्यादा वाला नंबर, एंटर प्रेस कर दिया, यहां पे आ गया एक सब्जेक्ट का नंबर आ गया। अब यहां से इसको ड्रैग करते जाइए और फिर यहां से भी ड्रैग करते जाइए, चूंकि ये फॉर्मूला है तो बाहर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, देखिए यहां पे 80 है ना, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब 72 हो गया, तो ये चेंज ना हो इससे हमारा रिजल्ट अफेक्टेड होगा ना, प्रभावित होगा ना, तो ये चेंज ना हो इसके लिए इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी करिए, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाइए और इसे बना दीजिए, नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूं और यहां से इसको नंबर बना लेता हूं, ठीक है, यस, तो इसको नंबर बना दिया। अब कितना भी बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये चेंज नहीं होगा, देखिए मैं बार बार बाहर क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये 72 72 एज इट इज बना हुआ है, ये है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इधर आना है और यहां पे ऑब्टेन मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए, सम का फॉर्मूला लगाना था ना, ध्यान रहे कि टैब मत प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ 9 नंबर बटन प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा इधर आता हूं सिलेक्शन के लिए, यहां से सेलेक्ट करना है ना, आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, C2 से स्टार्ट करना और कहां तक जाना है F2 तक, तो अपने हाथ से लिख दीजिए, यहां पे लिखिए C2 कोलन लगाइए शिफ्ट के साथ, L के ठीक बाद वाला बटन आप प्रेस कीजिए, कोलन लग जाएगा शिफ्ट के साथ, ठीक है, और F2, तो यहां F2 कर दीजिए और यहां आप इसको क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पे देखिए इसका ऑब्टेन मार्क्स आ गया, बार बार निकालने की जरूरत है, यहां पे रखिए और यहां से खींच दीजिए नीचे, ठीक है, ये आ गया पूरा। अब क्या करना है, अब यहां पे टोटल मार्क्स, तो वही चीज करना है हमें, अगर हम डायरेक्टली यहां पे कितने सब्जेक्ट है काउंट कीजिए, कंप्यूटर 2 3 4 सब्जेक्ट है, इधर भी कर लीजिए, तो 1 2 3 4 ही सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे 400 लिखना होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे कर दिया हमने, और यहां से खींचते हुए चले आइए नीचे, ये देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको, ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या करता हूं मैं, इनेबल, जैसे क्या है ना कि ये 400 लिखिएगा तो 401 402 ये अपने आप देता चला जाएगा, तो यहां पे क्या करना है आपको, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और यहां लिखना है 400, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये 400 ही केवल देगा, ठीक है, मैक्स का फॉर्मूला लगाइए, टैब मत प्रेस कीजिएगा, यहां पे टैब काम नहीं करेगा, यहां से सिलेक्शन में लेते चलिए यहां तक, और अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और यू हैव टू हिट एंटर, तो एंटर हिट कर दीजिए और यहां पे आ गया मैक्सिमम मार्क्स 90, ठीक है, मार्क्स, तो MIN मिन, ठीक है, और फिर यहां से क्या करिए, इसको यहां से लीजिए सिलेक्शन में और यहां तक जाइए और यहां से इसको क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो ये मिनिमम मार्क्स आ गया इनका, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मिनिमम मार्क्स क्या था, दोनों देख लीजिए आप, देखिए ये है राम, तो यहां पे कंप्यूटर में 72 है, इंग्लिश में 84 है, हिंदी में 70 है और मैथ्स में 90 है, तो मिनिमम मार्क्स किस में है, मिनिमम कम से कम 70, तो यहां पे देखिए मिन में क्या आया है, 70 आया है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई एवरेज लगाया, फिर इधर आते हैं, अब एवरेज देखिए यहां से चलिए और यहां तक सिलेक्शन में ले लीजिए, बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये एवरेज आ गया, यहां से खींच दीजिए नीचे की तरफ, अब ये ग्रेड, If, ग्रेड किसके बेस पे निकलेगा बताइए, एवरेज के बेस पे निकलेगा, तो एवरेज को पहला वाला आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दिया हमने, 85 पे निकालते हैं, अगर ऐसा हो तो एस ग्रेड आ जाए, कॉमा दिया यहां पे कॉमा, फिर इफ लगाया, यानी नेस्टेड इफ लगा रहा हूं फिर से,
K2 यहां पे नीचे आ चुका है, देखिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 75 के कॉमा, ऐसा हो तो ए ग्रेड आ जाए कॉमा इफ, फिर K2, ऐसा नहीं है आप K2 हाथ से भी लिख सकती है तो कीबोर्ड में K2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और किसके 65 के, 75 तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, तो ऐसी कंडीशन हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड आ जाए कॉमा इफ K2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या करेंगे इंटर क्यों प्रेस करेंगे, यहां पर अभी कंडीशन देंगे हम 55 कॉमा कौन सा ग्रेड आएगा बोलो, सी ग्रेड आएगा, बहुत बढ़िया, इफ दिस एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 डी ग्रेड, और लास्ट में दो कंडीशन होती है ट्रू और फॉल्स की, तो अब खत्म करने वाले हैं, दैट्स वाई यहां पे फेल्ड का भी हम दे देंगे डबल एंटेड कोर्ट्स में, यहां पे इनका ग्रेड आ गया ए और 50 से कम जिनका भी होगा वो फेल हो जाएंगे अपने आप, तो यहां से आप ट्रैक करते हुए आ जाइए, देखिए यहां पे 50 से कम जिनका भी है वो फेल हो गए हैं। तो अभी जो कंडीशन है सेल एड्रेस की बात कर रहा था मैं, तो सेल एड्रेस में क्या दिक्कत है, क्या फायदा है ये बता रहा हूं, देखिए यहां पे ये ए ग्रेड आया है ना और यहां पे ये फेल्ड है, ठीक है, अब देखिए यहां पर K2 K3 इस तरह की चीजें आ रही हैं, इसे सेल एड्रेस कहते हैं, तीन तरह के सेल एड्रेस होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक मिक्स्ड होता है और एक एब्सोल्यूट होता है, तो रिलेटिव सेल एड्रेस जो होता है उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसे ये लिखा हुआ है ना K3, तो ना तो K फिक्स है ना तो 3 फिक्स है, फिक्स कैसे होता है, डॉलर शाइन आगे लग जाता है तो फिक्स हो जाता है वो चेंज नहीं होगी वैल्यू, और इस तरह नीचे जब ड्रैग करते चले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो जब रो और कॉलम दोनों में से कोई एक फिक्स होगा तो उस वहां पर होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस, और जब दोनों फिक्स नहीं होगा कुछ भी फिक्स नहीं होगा तो वहां होगा रिलेटिव सेल एड्रेस, और जब दोनों फिक्स होगा रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लग जाएगा तो दोनों फिक्स हो जाएगा, तो ऐसे में होगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या, यहां पे फेल्ड हो गए ना ये, तो इनके मार्क्स कितने आए हैं ये देखिए, ये 27 नंबर आया है इसमें, ये यहां पे देखिए 16 नंबर मैथ्स में आया है, अगर मैं इसको 88 कर देता हूं, पहले इसको हटा देता हूं, यहां पे 88 कर देता हूं मैथ्स में, जो 16 आया था उसको 88 कर दिया, अभी देखिए ऑटोमेटिकली इनका ग्रेड क्या हो गया, डी हो गया ना, देख सकते हैं, ठीक है, अब ये भी फेल है, ठीक है, देखिए आप ये फेल है ना, इनका सबसे कम मार्क्स है किसमें, देखिए ये 7 मार्क्स है इंग्लिश में, तो अगर ये 7 मार्क्स को मैं 87 कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली ये कितने पे आ जाएंगे, ये देखिए इधर देखते हैं, ये देखिए 6, ठीक है, तो ये फायदा है सेल एड्रेस का या सेल रेफरेंस का, ठीक है, यहां से इसको छोटा कर लेता हूं और अब इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर कहां से लगेगा, इस पूरे डेटा को आप कर लीजिए सेलेक्ट ऐसे, ठीक है, और बॉर्डर लगाने के लिए कहां जाएंगे, यहां पे आएंगे, ठीक है, और ये देखिए ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, ये इस तरह से बॉर्डर लग जाएगा, अगर आप कलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहां से सिलेक्शन में करके और यहां से कलर भी लगा सकते हैं, ये पूरा सिलेक्शन में कर लीजिए, और ये कलर जो है बैकग्राउंड का हमें कैसा चाहिए, अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर लीजिए, ठीक है, इसको बोल्ड बनाना है तो पूरे को सिलेक्शन में लेके ऊपर वाला हिस्सा बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है लेकिन यहां पे क्लिक भी कर सकते हैं आप, ओके, अब इसको सेव करता हूं, ठीक है, एक्सटेंशन का डिफरेंस देखिएगा आप, अभी नीचे यहां पे ODF दिख रहा है आपको लेकिन एक्सटेंशन का डिफरेंस देखिएगा, यहां पे लिखता हूं स्प्रेडशीट, ठीक है, इसी नाम से इसको सेव कर रहा हूं और डेस्कटॉप पे कर रहा हूं, कर दिया, यहां पे जाइए, कहां गया, ये रहा स्प्रेडशीट, यही है ना, इस पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, यहां पे ये फाइल की एक्सटेंशन क्या दिखाई पड़ रही है, ये देखिए डॉट ODS, ठीक है, यानी कि ये किसकी फाइल है, लिब्रा कैल्क की, MS Excel वाला क्या दिखाई पड़ रहा था, ग्रेड के नाम से मैंने सेव किया था, ये देखो
देखो पहले एमएस एक्सेल में क्या दिखाई पड़ रहा है, डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है, ये एमएस एक्सेल के फाइल की एक्सटेंशन है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, धीरे धीरे करके इन बातों को हम जानेंगे। फिलहाल के लिए तो समझ में आ गई बात, ठीक है। स्प्रेडशीट, दोनों सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है, ठीक है। एक्सेल के पुराने वर्जन का नाम था लोटस, ठीक है, अब ये बाद में एक्सेल हो गया, और 2003, 2007, 2010 इस तरह से करके बढ़ते चले गए हम।